बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी सब ठीक है। तो जी, जो भी मेरे बहन भाई देश प्रदेश में रहते हैं, उन सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला उनके दुख तकलीफ में दूर करे। तो जी, मैं आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। मेरे हस्बैंड साहब ने जाना है कहीं, तो कह रहे थे कपड़े इस्त्री कर रहे हैं। मैंने जल्दी से ये कपड़े, मैंने कहा लाइट ना चले जाए, जल्दी से इस्त्री कर लूँ, और साथ मैंने वीडियो भी बनाने शुरू कर लिए। तो जी, ये मैं कपड़े इस्त्री करने लगी हूँ। अब ये इस्त्री करके उनको देते हैं, तो उन्होंने जाना है कहीं ज़रूरी काम पर। तो उधर बादल भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि पता नहीं अभी बारिश हो कि नहीं हो, हाल बादल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जी, जल्दी से मैं कपड़े इस्त्री कर देती हूँ, क्योंकि उन्होंने जाना है। वो ना लाइट चली जाए तो फिर मसला बन जाए हमारे लिए। जी, तो कपड़े मैंने इस्त्री कर लिए, अभी मैं उनको देती हूँ। अभी उन्होंने मांगी है चाय, वो चाय पीकर जाने लगे। मैं जल्दी से बना देती हूँ उनको चाय। ढाँप देती हूँ ताकि मक्खी वगैरह ना बैठे। अभी तो मैं कौवे वाली चाय बनाने लगी हूँ। जी, मैं जल्दी से दूध ले आती हूँ इसमें डालने के लिए, जब तक ये मेरा कहवा जो है ना बन जाएगा। जी, तो हमारी चाय बन गई है। अभी मैं जल्दी से कपों में डाल के ना उनको दे दूँ। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से ठंडा कर दूँ, वो ना कप टूट जाए। क्या हुआ, बादल आ गए हैं? जी, तो काफ़ी देर हो गई उनको गए हुए, तो मैं अभी सोच रही थी कि जल्दी जल्दी ना सब्जी बना कर हांडी बना लेती हूँ। आलू गोभी मैंने बना लिया, अभी मैं ये मसाला बनाने लगी हूँ। तो जल्दी से मसाला बना कर खाना बना लेते, क्योंकि बारिश भी होने वाली है। तो ये ना हो कि उधर से बारिश आ जाए। आ गई बारिश, और अभी देखें। अच्छा बेटा, मैं भी आ जाऊँ, मैं तो मसाला बनाने लगी थी। चलो बाहर आके मसाला बना दे। आज ही मैंने भी नहाना अपने बच्चों के साथ, अपने पोती पोतियों के साथ। तो ये ना वर्दा के कहने पे आज मैं नहाने लगी हूँ, तो मुझे सर्दी लग गई ना, तो इसको जिम्मेदार हो जो है ना वर्दा हो। वर्दा, मुझे सर्दी लग गई तो आप मुझे दवाई लेके दोगे? अच्छा चलो ठीक है जी, मैं अभी बाहर जाके ना सब्जी बनाने लगी हूँ, ये मसाला, और मैं साथ नहाने लगी हूँ। तो जान हम नहाते हैं।
पानी है। हाँ मैं सबके जाऊँ तो देखो ये फिंगर से बता रहा है वो पानी है। हाँ पानी ये देखो सलमान इधर देखो इधर है पानी। ये नीचे नहीं जाना ये देखो कह रहा उधर पानी कुछ है ना पानी वो देखो पानी है तो जाए देखे नालियाँ जो है बिल्कुल भर गई हैं पानी खेतों में देखे सारे सारे भर गए हैं पानी से भर गए हैं सारे खेत उधर दिखाओ सलमान उधर सारे खेत ले आना ये पूरे के पूरे भर गए हैं तो जैसे मैं रहती हूँ तो अलहमदुल्ला से जी मैंने मसाला भून लिया आलू गोभी बनाने लगी तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई तो इधर पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने फटी के ऊपर रख लिया आटा सूखा भी और गीला भी तो ये देख सकते हो आप ये कितना पानी है। अभी जब तक ये बारिश खत्म नहीं होगी ये पानी इधर को ही आना इधर से आता ना बाइट इधर से दोबारा से माशाल्लाह से ये रोटी मैंने साथ साथ रोटी भी बनाना शुरू कर दिया और साथ में मसाला भी होगा अभी मैंने इसमें गोभी और आलू डाल दे दें जी। तो माशाल्लाह से ये देखिए हमारी सब्जी तैयार हो गई है बस मैंने उसको भून लिया अभी मैं उसको खाना देने लगी हूँ। और ये मैं खुद खाने लगी हूँ देसी घी घी और ऊपर आलू गोभी का सालन हो तो क्या मज़ा आ जाता है रोटी खाने का। भूख भी अभी इतनी लग रही ना कि बारिश में सारे काम किए और खाना भी बनाया मेरे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बने इधर मैंने ना चाय के लिए पानी रख लिया मुझे सर्दी भी लग रही है गीले कपड़े हैं और सर्दी लग रही है मैंने कहा साथ साथ मैं खाना खा लेती हूँ और साथ साथ मैं ना चाय भी बना लेती हूँ। बदला ये ले जाओ बेटा खाना ले जाओ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने रोटी भी खा लिया और हमारी वजह से माशाल्लाह से चाय भी बन गई है तो अभी हम इसको पियेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त अपनी दुआओं में रखे याद और आपने कमेंट करके बताना हमारे ब्लॉग आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट भी किया करें कि हम क्या ऐसा करें कि जो आपको पसंद आए। तो हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और जिस बहन भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़।